हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बहुत ही जल्दी हम लोगों का सबसे प्यारा, खूबसूरत, सबसे बड़ा त्यौहार होली आने वाला है और हर किसी को इसकी बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो आइए जो है छोटा सा जो है डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार के तरफ से छोटा सा गिफ्ट आप लोगों के लिए भेज रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। दोस्तों, होली के बाद में जो है कुछ दिक्कतें जो है सामने आ जाती हैं, तो आइए आज उन्हीं के ऊपर बात करते हैं और कौन कौन सी वो होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपकी दिक्कतों को पूर्ण रूप से ठीक करने में सक्षम है, तो आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों, कुछ जो है आप लोगों को एक दिशा निर्देश दे रहा हूँ, सावधानी बता रहा हूँ, उस पर विशेष ध्यान देना। दोस्तों, होली जो है एक खुशियों का त्यौहार है, प्यार का त्यौहार है, तो इसलिए जो है बहुत ही गंदे तरीके के पक्के रंग का प्रयोग ना करें। इससे किसी की स्किन ख़राब हो सकती है, किसी को चेहरा जो है ख़राब हो सकता है और वह सिर्फ आपके लिए 2 मिनट का एक इंजॉय होगा कि हमने उसे बहुत गाढ़ा वाला रंग लगाया, लेकिन रंग छुड़ाते छुड़ाते कोई परेशान हो जाता है, रोने सा लगता है और चेहरे पे दाग आ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं, ऐसी तमाम दिक्कतें होती हैं। तो आइए जो है आपसे निवेदन है कि जो है इन दवाइयों का प्रयोग किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के परामर्श के अनुसार करें। या आपको लगता है कि मैं आपको परामर्श देने लायक हूँ तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो अगर जो किसी ने आपको गाढ़ा पक्का रंग लगा दिया है और उसके वजह से आपके जो है चेहरे पे दाने पड़ गए हैं, काला पंसा हो गया, जला जला लग रहा है, तो ऐसे सभी पेशेंट जो है चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, आर्निका, कैलेंडुला, बर्बेरी, एक्वाफोलियो क्रीम का प्रयोग करें। आर्निका सुबह में, कैलेंडुला दोपहर में, बर्बेरी एक्वाफोलियो रात में सोते समय, और साथ साथ जो है आर्निका, कैलेंडुला, बर्बेरी एक्वाफोलियम 30 पावर में, जैसे आप क्रीम जो है सुबह में जो यूज कर रहे हैं उसी नाम की दवा जो है सुबह में, दूसरी दोपहर में, तीसरी रात में। मित्रों, होली जो है खुशियों का त्यौहार है, इसलिए कोशिश यही करें कि गुलाल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, फूलों की होली खेलें। किसी को चेहरे को ख़राब करने का कोई जो है फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ यह एक छोटी सी जो है शरारत हो सकती है, नासमझी हो सकती है। दोस्तों, होली में जो सबसे बड़ी गलती होती है कि इंसान जो है खुशियों में इतना डूब जाता है कि वह गलत ट्रैक पे चला जाता है। अल्कोहल का प्रयोग करना, दारू शराब पीना जो है इससे माहौल को ख़राब करना, ऐसा हम लोग देखते हैं। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि ऐसा ना करें, ना अपने खुशियों को बर्बाद होने दें, ना किसी और के खुशियों को बर्बाद होने दें। ये ज़िंदगी बेहद बेशक बहुत ही खूबसूरत है, खुद को भी आबाद रखें, औरों को भी आबाद रखें। दोस्तों, अब जो है शुरू से जो है बताता हूँ कि सुबह जो है क्या होता है कि लोग अपना जो है थैले वेले में जो है अबीर गुलाल लेके गाड़ी जोड़ी से जो है अपना लोगों से मिलने के लिए चले जाते हैं। एक सबसे बड़ी गलती करते हैं कि घर से निकलते समय खाली पेट निकलते हैं और ये सोच के निकलते हैं कि जहाँ जाएंगे तहाँ कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। ये फर्स्ट स्टेप जो है सबसे गलत है। दोस्तों, घर से जब भी निकलें तो नाश्ता ज़रूर करके निकलें, क्योंकि खाली पेट होकर के जब आप जाओगे तो जितने भी आप तेल मसाला गुजिया चिप्स पापड़ खाएँगे वह डायरेक्ट आपके हाथों में जमा होगा, जिससे आपको गैस, डकार, उल्टी, मिचली तमाम समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए नाश्ता घर पे जरूर करके लें। अब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मैंने दिन भर सिर्फ चिप्स गुजिया पापड़ ही खाया और जो है लूज मोशन, डिसेंट्री हो रही है या उल्टी हो रहा है, तो ऐसे सारे पेशेंट, जी हाँ दोस्तों, पल्सेटिला लोअर पोटेंसी 30 में लेकर के सुबह शाम और रात में अगर जो प्रयोग करते हैं तब भी बहुत आराम मिलेगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ एक डोज सुबह लीजिए, एक डोज जो है दोपहर में लीजिए और रात में सोते समय नक्स भूमिका 30 का प्रयोग कर लीजिए, एकदम से बिल्कुल आराम हो जाएगी आपकी समस्या। अब कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि जो कभी भी अल्कोहल नहीं लेते हैं, दारू वारू नहीं पीते हैं, लेकिन किसी ने जो है वो है ना, सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूँ, किसी ने पिला दिया और पी लिया, पीने के बाद में वो सर जो है घूम रहा है, उल्टी और मिचली जैसा हो रहा है, कंडीशनल है,
अगर जो आपका सर बहुत ज़्यादा नाच रहा है तो कॉकुलस इंडिकस का प्रयोग करिए। 200 पोटेंसी में एक डोज लीजिए, एकदम आराम हो जाएगा। अगर जो आपको बहुत मिचली आ रही, मिचली ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो ऐसे पेशेंट जी हाँ दोस्तों ईपी कैक का प्रयोग करें 30 में या 200 में। अगर 30 में करते हैं तो दो बार प्रयोग कर सकते हैं, 200 में करते हैं तो सिंगल डोज में ही आराम मिल जाएगा। अगर जो कोई ऐसे फ्रेंड हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त ड्रिंकर हैं लेकिन उससे ज़्यादा वो कंजूस हैं, अपने पैसे की दारू नहीं पीना चाहते, मोहल्ले में अगर जो कोई है या जो है जहाँ जाते हैं वहाँ मिल जाती है और जिस ब्रांड की मिलती है सब वो जो है दबा करके लेते जाते हैं, घर आते आते जो है वो मतलब वही है थोड़ी सी जो पी ली है बड़ी जो है उनकी हालत रंगीन सी हो जाती है, पूरे मोहल्ले के लिए वह एक जो है इंजॉय का साधन बन के आते हैं, पूरा मोहल्ला जो है मस्त रहता है, एक दो घंटा इंजॉय लेता है। तो ऐसे लोग जिनको कॉकटेल हो गया है, बहुत कई ब्रांड की जो है अल्कोहल ले लिए हैं, अब उन्हें बहुत उल्टी हो रही, बहुत मिचली हो रही है, लेकिन उनको होती कब है, उस दिन नहीं होती, दूसरे दिन होती। जिधर जिस दिन पीना था उस दिन पिया लेकिन उस दिन नहीं हो रही, नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा उल्टी मिचली हो रही है। तो ऐसे पेशेंट अगर जो नक्स भूमिका का प्रयोग करते हैं जी हाँ दोस्तों, वन डोज नक्स भूमिका दीजिए 30 पावर में, वन डोज 30 पावर में ईपी कैक दीजिए। इन दोनों दवाइयों से उनकी उल्टी मिचली की स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। यही सेम दवाइयाँ एक बार जो है उनको अगर जो स्थिति में जो है इम्प्रूवमेंट हो गया है तो एक डोज रात में भी दे दीजिए, ऐसी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन लोगों के ऊपर। तो होली वाले दिन जो है कुछ कुछ लोगों के यहाँ गृहणियाँ खाना बनाती है, कुछ लोग जेंट्स ही बनाते हैं, उनका मूड होता है कि नहीं आज होली वाला दिन नॉनवेज मैं बनाऊँगा। अब वो जो है इधर नॉनवेज बन रहा है, उधर पैक पे पैक लगता जा रहा है, तो उसमें लाल मिर्चा दबा करके जो है डाल दिया, इतना लाल मिर्चा डाल दिया कि अल्कोहल के वजह से वो लाल मिर्चा तो समझ में तो आया नहीं जिस समय पी रहे थे, लेकिन जो है सुबह जो है जब वो लैट्रिन के लिए जाते हैं, स्टूल पास होता है, तो उनकी हालत बड़ी ख़राब हो जाती, एकदम बिल्कुल बर्निंग इन द एनस एंड रेक्टम, बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा चिलकन जलन सी होती है। तो ऐसे पेशेंट को अगर जो दस्त आ रहा, पानी जैसा दस्त आ रहा है, तो वो जो है कैप्सिकम, जी हाँ दोस्तों कैप्सिकम का प्रयोग करें, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अगर जो आपके जो है कभी ऊपर पेट पे, यहाँ पे, कभी सीने पे, कभी छाती पे, कभी पीठ पे, कभी सर पे गैस चढ़ता जा रहा है, यही सब उल्टा सीधा खाने के वजह से नॉनवेज वगैरह ले लिया है, तो ऐसे लोग अगर जो कार्बोवेज का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। अगर जो आपको नॉनवेज खाने के वजह से दस्त होने लगी है, पेड़ों में जो है कि नीचे दर्द हो रहा है, तो आप लाइकोपोडियम जी हाँ दोस्तों 4 बूंद सुबह में 30 पावर में प्रयोग करिए, और दोपहर में जो है आप जो है अगर जो आराम मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो एक डोज और ले लीजिए, रात में सोते समय नक्स भूमिका 200 में लीजिए तो बहुत अच्छा आराम मिल जाएगा आपको। अगर जो किसी को लग रहा है कि उसने नॉनवेज तो नहीं खाया था लेकिन छोले खा लिए, भटूरे खा लिए, गुजिया खा लिया, उसके वजह से पूरे पेट में ऐठन सी हो रही है, तो ऐसे लोग अगर जो चाइना का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। बाकी एक ही चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि न जाने वह कौन सी नज़र है जो आँखों से नशा उतरता ही नहीं। मैंने तो परिवार के लिए सारे खिलौने खरीद दिए मगर खुद के बारे में कभी सोचता ही नहीं। और तुम्हें नशा ही करना है तो परिवार का नशा करके देखो। मुझे लगता है कि एक बार ये जब ये चढ़ता है तो पूरी ज़िंदगी उतरता ही नहीं। अरे क्या दम रखा है यार अल्कोहल में, कुछ नहीं, मस्त होकर के सिर्फ त्यौहार का एंजॉय करेंगे, गुजिया पापड़ खाएंगे, दूसरों को भी खिलाएंगे, मस्त रहेंगे, औरों को भी मस्त रखेंगे। और हाँ, स्पेशली वो लोग जो अपने घरों से बहुत दूर हैं, और दूर का मतलब वो इतने दूर है कि 100 किलोमीटर पे जो है नौकरी करते हैं, 200 किलोमीटर पे नौकरी करते हैं, 300 किलोमीटर पे नौकरी करते हैं, इतनी दूरी है, तो यार छोड़ो ना, एक दो दिन के लिए आओ, थोड़ा गांव में घूमो, परिवार में घूमो, मौज करो, और ज़िंदगी भर तो पैसा कमाना ही है। कोई आँखें हैं जो आपका रास्ता देखती हैं, और वो माँ बाप ही हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, तो बहुत सारा कुछ हम लोग अपने दोस्तों यारों पे ख़त्म करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो त्योहारों पे भी घर पे आ जाते हैं बट वो अपनी मुसीबतें ही रोते हैं, उनके पैसे बहुत होते हैं,
बट कुछ लाते नहीं है यार। पूरी जिंदगी तो मतलब लुटाया ही है, थोड़ा सा माँ बाप के ऊपर खर्चा करो, भाई बहनों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेके आओ, खिलौने विलौने लेके आओ, गुलाल उलाल खरीद करके आओ, होली होली खेलते हैं, और बाकी ये तो जिंदगी है, सुख दुख जस अपजस लगा रहता है। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ना खुद को परेशान करो ना औरों को परेशान करो। अगर जो बनना ही चाहते हो तो किसी के खुशी का साधन बनो, कुछ देना ही चाहते हो तो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट का माध्यम बनो, और ये जिंदगी भी तो एक होली ही है, और ये जिंदगी भी तो एक होली ही है। कुछ करना ही चाहते हो तो किसी के चेहरे का गुलाल बनो। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी, विश यू वेरी हैप्पी होली। दोस्तों नमस्कार, कुछ गलत कह गए हूँ तो माफ़ करिए। दवाइयाँ खरीद के घर पे रख लीजिए, क्योंकि होली के त्यौहार के एक दो दिन बाद तक कोई मेडिकल स्टोर भी नहीं खुलता है। घर पे रहेगी तो किसी डॉक्टर के परामर्श से काम आ जाएगी, या दिल करेगा तो मुझसे भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी, बाय।